मंत्री शिव डहरिया ने की प्रेस वार्ता, झीरम घाटी के कांड पर की चर्चा, कहा आखिर जांच क्यों रुकवाना चाहती है भाजपा। इनकम टैक्स कमिश्नर के घर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला, घर में लगे सीसीटीवी सीडीआर मशीन समेत कमिश्नर का मोबाइल छीनकर हुए फरार, मामले में पुलिस प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई। सीतापुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी से 15 किलो गांजा जब्त। और मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के प्रभात चौराहे का किया निरीक्षण, चौराहे पर बनेगा ग्रेड सेपरेटर, 35 करोड़ की लागत से बनेगा ग्रेड सेपरेटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राज्य सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश कोयला और बिजली संकट से जूझ रहा है, पिछले 2 साल में सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी जड़ यह है कि बिना पैसे के कोयले का कोई सौदा नहीं हो सकता, यह विशेष चिंता का विषय है लेकिन भाजपा सरकार इसे मजाक में ले रही है। इस दौरान कमलनाथ ने डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर भी कहा कि मैंने तो 2 महीने से इस्तीफा दे रखा था, मेरे पास विधानसभा के लिए समय नहीं है लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 के लिए हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। पूरा प्रदेश झेल रहा है बिजली कोयला संकट, हमारा किसान पीड़ित थे, हमारे व्यापारी पीड़ित थे, हमारे छात्र पीड़ित थे, ये इसकी जड़ है जो इन्होंने पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार किया कि कोई सौदा नहीं हो सकता कोयले का बिना पैसे दिए हुए, ये आज चिंता का विषय है। और ये आज कहना कि ये इसको मजाक पे लेना, मैं तो सोचता हूँ बीजेपी इसे मजाक पे ले रही है, ये स्थिति अभी नहीं उत्पन्न हुई, 2-3 महीने से सामने आ रही थी, ये तो कोई ऐसी अचानक बात तो आई नहीं, कोई बाढ़ नहीं आई, कोई अर्थक्वेक नहीं आया, भूकंप नहीं आया, लेकिन उस समय मना कर रही थी सरकार की इस तरीके का संकट नहीं है, हमेशा ये इनकार कर रही थी और इसकी कोई प्लानिंग नहीं, जैसे कोविड की कोई प्लानिंग नहीं थी, अब कोयला बिजली की कोई प्लानिंग नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री शिव डहरिया ने प्रेस वार्ता की, इस दौरान उन्होंने झीरम घाटी के कांड पर चर्चा करते हुए कहा भाजपा झीरम घाटी कांड की जांच क्यों रुकवाना चाहती है। दरअसल न्यायिक जांच आयोग को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एक बार फिर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और नए आयोग को निरस्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि झीरम घाटी कांड एक ऐसा कांड था जिसने कांग्रेस के नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी को ही समाप्त कर दिया था। डहरिया ने बताया जैसे ही झीरम घाटी कांड की जांच की बात आती है वैसे ही किसी न किसी प्रकार से भाजपा इसकी जांच को बाधित करने में जुट जाती है। तो अगर है तो जांच को रोकना चाहते हैं भाई, ये तो स्पष्ट दिखता है रमन सिंह जी और उनकी सरकार दोषी ऐसा तो दिख ही रहा है, लेकिन जो तथ्य है वो तभी जांच में आएगा तभी उसकी सही जो जानकारी है वो आएगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। दिल्ली में पदस्थ इनकम टैक्स कमिश्नर के घर पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया और घर के सीसीटीवी सीडीआर मशीन के साथ कमिश्नर का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पूरा मामला चाचौड़ा थाना क्षेत्र के गांव पैची का है जहां इनकम टैक्स कमिश्नर 2 दिन के अवकाश पर घर आए थे। वहीं बीती रात लगभग 12 बदमाशों ने इनकम टैक्स कमिश्नर प्रद्युमन मीना के घर पर धावा बोला। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस प्रशासन ने अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। सीतापुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसके कब्जे से पुलिस को 15 किलो अवैध गांजा मिला है। थाना प्रभारी रुपेश सारंग ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी एक युवक बाइक पर मादक पदार्थ लेकर जा रहा है, इसके लिए तुरंत टीम गठित कर आरोपी को धर दबोचा। थाना सीतापुर पुलिस को दिनांक 29/4/2022 को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिला, हमने सुबह जो है भोर में अपन अपराध विवेचना में गए थे
इसी दौरान हमको पता चला कि एक व्यक्ति जो है अपनी मोटरसाइकिल में पीछे में बोरा में कुछ बांधा हुआ है और सस्पेक्ट है, कुछ गांजा जैसा मदद पदार्थ रखने की सूचना मिली हमको। हमने जो है जो पेट्रोलिंग में निकले थे उसी दौरान वहीं मौके पर जो संतरई के पास घेराबंदी किया। घेराबंदी के दौरान उस गाड़ी को रोक के उसको जब पकड़ा गया तो उसमें तलाशी के दौरान कुल 15 किलो लगभग गांजा जो है बरामद हुआ है। आरोपी ये जो है मन पहरू चेवरा चेरवा, पिता बन केला चेरवा, उम्र 25 वर्ष, पता जो है खलीबा थाना गांधीनगर जिला सरगुजा का रहने वाला है। पूछताछ में अभी वर्तमान में इन्होंने बताया है कि लड़ुंगा क्षेत्र से ये गांजा की तस्करी करते आ रहा था और आगे जांच में लिया गया है। और थाना सीतापुर पुलिस जो है आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 121/22 धारा 20B NDP सेक्टर के तहत कार्रवाई की है। चाचौड़ा के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय बीनागंज में पदस्थ शिक्षिका संध्या श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हुई। इस अवसर पर उनके पति दिनेश श्रीवास्तव ने माला पहनाकर अपनी पत्नी का सम्मान किया। आपको बता दें कि पत्नी संध्या श्रीवास्तव और पति दिनेश श्रीवास्तव एक ही विद्यालय में पदस्थ है। वहीं समारोह का शुभारंभ सरस्वती पूजन के साथ किया गया। राजधानी भोपाल के नेहरू नगर में विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर पशु चिकित्सा संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और रिटायर्ड IAS मनोज श्रीवास्तव समेत पशु चिकित्सक और विभाग से जुड़े अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि जो लोग अपने पशुओं को सड़क पर बेवजह छोड़ देते हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। देखो इसकी रणनीति अभी बनाई जाएगी, अभी तो घोषणा हुई है और घोषणा हुई है तो घोषणा नहीं है, हम काम करके दिखाएंगे। नगर पालिका में गौ जिसकी भी आवारा गाय मतलब जो घूमती है अगर उनको तो पहले चेताया जाएगा कि भाई आप गौ पालना चाहते हो तो अपने गौ माता को घर में बांधो। दूसरी बात अगर छोड़ते हैं तो उसको मतलब गौशाला में ले जाकर रखी जाएगी, अगर छुड़ाने जाएगा तो उसको 1,000 रुपये देना पड़ेंगे और उसके बाद में मतलब एक बार दो बार उस गौ माता को फिर अगर नहीं पाल पा रहा है तो हम रात साथ भी करेंगे। नरसिंहपुर के चीचली विकासखंड में लगातार विद्युत कटौती और मनमर्जी बिल वसूली को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा संगठन ने विद्युत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संगठन ने विद्युत व्यवस्थाएं ठीक करने की मांग की है। जिसके बाद पुरुषोत्तम धुर्वे ने किसान मोर्चा के को आश्वासन देते हुए कहा कि आप सभी की मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 मई को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत लोगों को जाति और निवास प्रमाण पत्र की होम डिलीवरी की जाएगी। इसके अलावा सूचना और राशन कार्ड जैसी अन्य सेवाएं भी लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही सहायक को भी तैनात किया जाएगा जो लोगों के दरवाजे तक जाकर औपचारिकताएं पूरी करेंगी। आपको बता दें कि योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया है। केंद्रीय विद्यालय जमुना कॉलरी में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी ही पहली सूची जारी कर दी है। विद्यालय के प्रवेश प्रभारी सोहन लाल बसोने ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 1 के लिए कुल 80 सीट उपलब्ध है, जिसके लिए कुल 128 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें सामान्य श्रेणी के 79, अन्य पिछड़ा वर्ग के 24, अनुसूचित जाति के 15 और अनुसूचित जनजाति के 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य अजमल खान ने अपने संबोधन में सभी शिक्षकों और अभिभावकों को आभार व्यक्त किया। सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के आश्रित मोहल्ला मयूर पानी के ग्रामीण पानी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। वहीं ग्रामीण पानी के लिए पहाड़ से निकलने वाले नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि गांव वासियों ने कहा कई बार पानी की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों के
अवगत भी कराया गया, लेकिन समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं पीएचई विभाग को भी इस बारे में जानकारी दी है, जिसको लेकर एसडीओ साहब ने गांव वासियों को जल्द हैंडपंप लगवाने का आश्वासन दिया। हम लोग यहाँ मजूर पानी रहते हैं टंगरी पहाड़तरी में, कहाँ से पानी, अभी पानी का सुविधा है ही नहीं है। एक ठो बोरिंग चाहिए, चाहे बोर चाहिए, जमीन से छोटे मोटे ढोरी खुदाई से दस प्यार ऐसे परिवार हो, इसने अब गंदा पानी पीता ना, कैसे करबो तो बर्थन तो बीमार मन झिलगी उलगी भार में ढोक न ले जाती वहाँ बंदना, बरसात में तो ऊपर से झोंक के पीता ना रोती से। अभी तो फिलहाल कुएं का पानी पी रहे हैं, ढोरी का नदी से है, नदी का ही है वहाँ का, तो ला के पीते हैं वहीं से, आज से पहले से है वहाँ का। तो हम लोग किए हैं तो वैसे यहाँ वाला सामने वाला जो शिवरतन घर के पास किए हैं, वहाँ वो स्वीकृत के लिए दिए थे, तो एक बार स्वीकृत हो भी गया था, तो पुलिया नहीं बनने के कारण से वहाँ रिपनी खोदा पाया, उस बोरिंग यहाँ पे मलसाई पारा खोदाया है, क्या कि गाड़ी नहीं जा रहा था ना उस समय। कोट ग्राम पंचायत में पिछले बरसात से पहले कुछ बोरिंग कराए थे पहाड़ नीचे साइड में, हो सकता है उस समय रास्ता नहीं रहा होगा, तो अभी रास्ता बन गया है तो वहाँ बोरिंग कराएंगे एक आध महीना में, अभी गर्मी में करा देंगे। अभी जो हमारा बोरिंग गाड़ी बतौली में चल रहा है, जहाँ जहाँ टंकी बनी है वहाँ भी वहाँ 5 बोरिंग कर चुका है, पिछले भी एक गाड़ी आई थी तो उस समय भी जो है 4 बोरिंग करके चला गया था, फिर अभी काम शुरू किए हैं। सीतापुर के गांव केजू में घर में लूट का मामला सामने आया है, जहां 3 नकाबपोशों ने बंदूक की नोक पर महिलाओं को डरा धमका कर पहने हुए जेवर लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन मौका मिलते ही आरोपी फरार हो गया। वहीं एसडीओपी चंद्रकांत गवर्ना ने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ भी जारी है, साथ ही साइबर सेल टीम की मदद से 3-4 दिनों में आरोपियों का खुलासा कर दिया जाएगा। दिनांक 21/4/2022 को मैं दिल्ली में एक 7:30 बजे के आसपास लूट की घटना अज्ञात जो 3 22 और 80 के बाद लूट की घटना कार्य की गई थी, जिसमें से जो चिंता दर्ज है साथी उनके रिपोर्ट का प्राप्त आरंभतापुर में पंजीबद्ध किया गया है। तो इसमें जो 22 सवार जो व्यक्ति थे उसमें से 2 व्यक्ति है वो दिल्ली के गंगा बांध के रखे थे, और आकर मतलब जो वेपन है मतलब राइफल जैसा जो हथियार है दिखाकर उनसे लगभग 5 करोड़ सोना लगभग 1.5 लाख रुपया था, और उसके गले में दुकान के गले में रखा हुआ लगभग 35,000 रुपया छीनते उठा लेते हैं। रायपुर में शैक्षणिक सत्र जून 2022 से 50 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर यह घोषणा की है। बता दें कि सीएम बघेल ने आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में एडमिशन के रुझान को देखते हुए 50 नए स्कूल खोलने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रभात चौराहे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि भोपाल में ट्रैफिक सरलता और जनता की सुविधा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। प्रभात चौराहे पर 35 करोड़ की लागत से ग्रेड सेपरेटर बनेगा, साथ ही पुराने भोपाल वासियों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। वहीं मंत्री सारंग ने दिग्गी के पोस्ट पर बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय खुद की तुलना राम से ना करें। तुलसीदास ने कहा है, कुछ अच्छा काम करना है तो विघ्न संतोषियों का नाम ले। साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाती है। भोपाल में ट्रैफिक की सुगमता और जनता की सुविधा के लिए हमारी सरकार लगातार नित नए विकास के कार्य कर रही है। मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। विकास का ऑप्टिमम, विकास का उच्च होता है फ्लाईओवर ग्रेड सेपरेटर। हमने ये सुनिश्चित किया है कि भोपाल के यातायात की सुगमता के लिए भोपाल में हम लगातार और हर वो स्थान जहां ट्रैफिक कंजेशन होता है, लोगों को
असुविधा होती है वहां पर फ्लाईओवर बनाए, रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण करें और जहां दो हाईवे आपस में क्रॉस होते हैं वहां ग्रेड सेपरेटर बनाए जाएं। सिंगरौली जिले के माढ़ा थाना क्षेत्र के धनहरा गांव से एक मामला सामने आया है जहां बीती रात आरोपी नाबालिग लड़की को छत्तीसगढ़ से बिलासपुर ले गया, जिसके बाद उसकी मां किस्मती प्रजापति ने माढ़ा थाने आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी मां ने कहा कि पुलिस ने लड़की को ढूंढने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी और जब नाबालिग थाने से बरामद हुई तो पुलिस ने ना हमें बच्चे से मिलने दिया और ना ही आरोपी पर उचित कार्रवाई की। राम प्रजापति ने बोला है घटना घटी थी 20 तारीख 15 साल की नहीं छोड़ना नहीं चाह रहे हैं सर इसको, वो रहा भगाना वहाँ भगा देता है, मतलब हम लोगों को बात नहीं करना देता, हम लगे जाने देता है। मेरे पास लड़की मेरा उठा कर ले गई थे प्रभु दयाल जयसवाल, घर में लड़के बाहर निकले थे मैदान के बहाने, वो कहीं छिप था, छिप करके मेरे लड़की खींच के ले गया था, मुझे पता नहीं था, मैं पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तब से प्रभु दयाल गाड़ी पर बैठाया लेकर के भाग गया मुढ़ी, वो मुढ़ी से चार चक्का में बैठाया, फिर लेकर के वो कहाँ भगा गया कि बिलासपुर में पुलिस के द्वारा मिली। पुलिस को मैं 10,000 रुपया दिए, पेट्रोल खर्चा गाड़ी खर्चा 10,000 रुपया लेकर के पुलिस लाया कि मतलब 20 तारीख को मेरे लड़की भगी, फिर 20 तारीख को फिर वहां से मिली कब कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैरागढ़ पहुंचे जहां त्रिदेव मंडल प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल हुए। वहीं इस दौरान वीडी शर्मा ने बताया कि बीजेपी संगठन मंडल स्तर पर त्रिदेव को प्रशिक्षण देगा। आपको बता दें कि क्षेत्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है जिस पर बीजेपी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश संगठन का बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर में एक कांग्रेस नेता के रसूख पर बुलडोजर चलाया गया है। बता दें कि प्रशासन का बुलडोजर दुकान और कई हेक्टेयर भूमि की बाउंड्री वॉल तोड़कर पीछे भी नहीं हटा था, तब तक कांग्रेस नेता मौके पर पहुंच गए। विश्राम गृह में बैठकर कांग्रेस नेताओं ने कई घंटे अफसरों से चर्चा की लेकिन बुलडोजर पीछे नहीं हटा। आखिरकार 4.5 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बता दें कि इस जमीन पर कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद भैया मियां ने कब्जा कर रखा था। मैं जब यहां पर आया भीड़ लगी हुई थी, बुलडोजर से दुकानें तोड़ दी गई थी। मैंने जब पता लगाया तो ये सामने बात आई कि डाबरी पंचायत से उस समय आबादी के पट्टे अनेक लोगों को दिए गए थे और जब 70 में ये ग्राम पंचायत नगर पालिका आष्टा में शामिल की गई तो उन्हीं लोगों के जो जहाँ पे बैठा हुआ था उन्होंने अपने मकान के वहाँ पर नामांतरण करा लिया नगर पालिका से और उसके आधार पर अपना टैक्स देना चालू कर दिया। तब से लगातार बराबर टैक्स दिया जा रहा है। एक व्यक्ति को जिसके पास 100x40 का पट्टा है, बगल में उन्होंने रजिस्ट्री खरीदी है, दाल मिल खरीदा है, उस पर उनकी दुकानें 16 दुकानें बनी हुई हैं, 115 नंबर पर और भी दुकानें बनी हुई हैं, 3-3, 4-4 मंजिला मकान बने हुए हैं। राज्य सरकार को केवल भैया मियां दिखे और कोई नहीं दिखा। यहाँ पर दुकान बना रखी थी इन्होंने और ये भैया के नाम से जो है मशहूर थे जिनकी जमीन का इंक्रोचमेंट था और करीब काफ़ी पहले से इनका इंक्रोचमेंट है और हम लोगों ने इनका आदेश 2022 जनवरी में कर दिया था इनके विरुद्ध आदेश, जिसकी इन्होंने अपील की थी SDM महोदय के यहाँ पे, वो भी खारिज हो चुकी है और वर्तमान में इनके पास कोई स्टे आदि कुछ भी नहीं था और इनको पिछले 4/4/2022 को मेरे द्वारा अंतिम सूचना पत्र दिया गया था 3 दिवस में अपना इंक्रोचमेंट हटाने, उन्होंने नहीं हटाया। आज हम लोग जो है पूरा दर्पण लेकर के यहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाने आए, तब ये लोग तो थोड़ा सा बहसबाजी करके लगे साहब उनको समय देते दुकानें खाली करनी बोली, तो
उसी बात का थोड़ा सा धर्माट होती बाकी समझाइए उनको तो मान भी गए थे और इन्फोर्समेंट का कार्य जो हटाने का चल गया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।